हेलो लर्नर्स, मैं हूँ गुलशा परवीन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुलश स्टडी स्टडी विद गुलशा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें कि 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ट्रिपल सी 2021 के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। ये हमारी सीरीज चल रही है ट्रिपल सी की, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करा रहे हैं, 15 क्वेश्चन डेली। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियोस को, और सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ट्रिपल सी के टॉपिक्स, जो बेसिक फंडामेंटल्स है कंप्यूटर्स के, उनके टॉपिक्स को आप अगर थियोरेटिकली बेसिक पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, उसमें जाके आप देखिए, सारे टॉपिक वाइज आपको वहां पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है और इजी वे में है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस तो हम करा ही रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक इंस्टा एंड ट्विटर इज। देखिए, फेसबुक इंस्टा और ट्विटर क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, न्यूज ग्रुप है, कम्युनिटी है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस पे हम कनेक्टेड होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों के साथ में। ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग, डेटा किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है? इंटरनेट, OSI मॉडल, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें OSI मॉडल को फॉलो करना होता है, सारे लेयर्स को कवर करनी होती है OSI मॉडल की, तभी हमारा डेटा जो है ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन हमारा प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, HTML स्टैंड फॉर, HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मेकअप लिंक, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिटरेचर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लाइन, या फिर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 4, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म है, और ये एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, NEFT स्टैंड्स फॉर, NEFT की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT क्या होता है? हम अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में कुछ भी, जैसे 200 रुपए का, 500 का, 1000 का हमने NEFT करा दिया, तो हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे, इस तरह के, उसको हम बोल देते हैं NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, AMD स्टैंड फॉर, AMD का मतलब क्या है? AMD, जैसे AMD के प्रोसेसर आगे आ रहे हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड मैक्रो सिस्टम, एडवांस्ड मल्टी सिस्टम, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, एडवांस्ड मिनी सिस्टम। तो AMD का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। और इस तरह इसके AMD के प्रोसेसर्स आए हैं, जैसे i3 है, i4 है, वैसे ही AMD के भी आ रहे हैं, जैसे राइजन 4 है, राइजन 5, राइजन 7, इस तरह से। तो AMD के भी प्रोसेसर आते हैं, और ये होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। Go to the question number 6, star, bus, ring, maze and tree are the examples of, ये सारे जो है किसके एग्जाम्पल है? इंटरनेट, नेटवर्क टोपोलॉजीज, HTML वेब पेजेस, नन ऑफ दिस। तो ये क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजीज के एग्जाम्पल्स हैं स्टार, बस, रिंग, मेज एंड ट्री। ये सारी टोपोलॉजीज होती हैं, बेसिकली जो है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे नेटवर्क का, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं, और ये इसके डिजाइन है स्टार, बस, रिंग, मेज, ट्री। और भी होता है, जैसे हाइब्रिड और टोपोलॉजी होती है वैसे। चलिए आगे चलते हैं। 1 GB इज इक्विवेलेंट टू 1024 MB, 1024 KB, 1024 TB। 1 GB किसके बराबर होता है? 1 GB होता है 1024 MB के बराबर। 1024 MB से मिलकर 1 GB बनता है, 1024 KB से मिलकर 1 MB बनता है, और 1024 GB से मिलकर 1 TB बनता है। ओके, इस तरह से हमारा सीरीज होती है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 एटीएम वाज इन्वेंटेड बाय, एटीएम का इन्वेंशन किसने किया, एटीएम का आविष्कार किसने किया, तो जॉन शेफर्ड बैरन ने एटीएम का आविष्कार किया था, लूथर जॉर्ज सिमियन या जो डोनाल्ड सी वेट्जल ने नहीं किया, ये किया था जॉन शेफर्ड बैरन ने एटीएम का आविष्कार किया एंड एटीएम वाज इन्वेंटेड बाय जॉन शेफर्ड बैरन। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस इज यूज फॉर, माउस का यूज किस लिए होता है, क्लिकिंग के लिए, पॉइंटिंग के लिए, बोथ या फिर कुछ भी नहीं, तो दोनों, क्लिकिंग हो जाए या फिर पॉइंटिंग हो जाए, दोनों ही कामों के लिए जो है हमारा माउस यूज होता है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार इंक्लूड्स ऑफ डेट एंड टाइम, टास्क बार किस लिए इंक्लूड होता है, डेट एंड टाइम, स्टार्ट बटन और शॉर्टकट आइकन या फिर ऑल ऑफ दिस, तो हमारा जो टास्क बार है उसमें सारी चीजें ही होती हैं, डेट एंड टाइम भी राइट में शो होता है, स्टार्ट बटन लेफ्ट में शो होता है और शॉर्टकट आइकन होते हैं बहुत सारे, हम पिन कर लेते हैं टास्क बार में कि हमें क्विकली जिनको भी एक्सेस करना है वो सारी चीजें, तो ऑल ऑफ दिस इसमें आ जाएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वीपीए स्टैंड फॉर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वीपी क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 10, आईएसपी नोन एज इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोसेस, तो इसमें से हमारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आईएसपी होता है, जितने भी आईएसपी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम करती हैं उसके लिए फुल फॉर्म यूज होते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईमेल एड्रेस इज सेपरेटेड बाय, ईमेल एड्रेस के बीच में कौन सा सिंबल यूज होता है, हैशटैग, एट द रेट, डॉलर साइन या फिर एस्ट्रिक का साइन, तो इसके लिए एट द रेट का यूज होता है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखें गुल एट द रेट gmail.com, तो इस तरह से बीच में क्या आएगा हमारा एट द रेट आएगा, जैसे हम लिख देते हैं ना गुल एट द रेट gmail.com वैसे ही, ठीक है, तो बीच में एट द रेट से सेपरेट करते हैं हम अपने यूजर नेम को और जो है हमारी होस्टिंग को, जो हमारा डोमेन नेम है .com या फिर कुछ कोई सा भी हम .in को, उसको हम सेपरेट करने के लिए बीच में एट द रेट का साइन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इज इट पॉसिबल टू एक्सेस वेबसाइट विदाउट www के बिना हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं, जो प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं www पे नहीं होते हैं, किसी और इंटरनेट साइट पर, इंटरनेट पोर्टल पर वो होस्ट हैं या फिर चल रही हैं, तो उसके लिए हम www पे भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। UTR is known as Unique Transaction Report, Unique Transaction Reference, Unique Transaction Record and the Unique Transaction Remote. UTR का मतलब होता है Unique Transaction Reference, और जब भी हम कहीं से ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बैंक से या किसी और के बैंक से, कोई लेन देन करते हैं, कोई ट्रांसफर करते हैं या फिर कोई पैसा निकालते हैं, तो उसका एक UTR नंबर मिलता है हमें, वो उसका हर एक ट्रांजेक्शन का यूनिक होता है, उसका रेफरेंस होता है, उसके थ्रू हम कभी भी अपने ट्रांजेक्शन पे क्लेम कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं आया है या फिर बीच में कोई दिक्कत होगी, तो उसके लिए हमें मिलता है एक UTR नंबर, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। चलिए आगे चलते हैं, MSME स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो MSME का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जितने भी हमारे लघु उद्योग या फिर छोटे उद्योग हैं उनको कंट्रोल करता है MSME और ये इसके लिए काम करता है। उसके बाद में हम लोग लास्ट क्वेश्चन, व्हाइल डिलीटिंग फाइल्स और फोल्डर इन कंप्यूटर इट बी स्टोर्ड इन, सेम डिस्क ड्राइव, रिसाइकल बिन, बोथ एंड बे या फिर नन ऑफ दिस, तो व्हेन वी डिलीट द फाइल फ्रॉम आवर कंप्यूटर दैट इज स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन, जब हम कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ पहुंच जाती है, रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है, और जब तक हम उसको रिसाइकल बिन से रिस्टोर ना कर ले
जब तक वो वापस नहीं आती या फिर जब तक हम उसको रिसाइकल बिन से डिलीट ना कर दें, जब तक वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती। ओके, तो जब भी कोई फाइल आप डिलीट करते हो आपको वो रिसाइकल बिन में मिल सकती है बाद में। ये 15 क्वेश्चंस थे आज के, और आप देख लीजिए अगर मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर प्रोसेस, या बहुत सारे फंडामेंटल्स के जो टॉपिक्स हैं उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में थ्योरेटिकल, तो आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स की जो हमारी सीरीज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नाम से, और बाकी चैनल पे भी आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट शो हो रही है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज। उसमें आपको पूरा डिस्कस डिटेल में मिलेगा, इजी वे में एक्सप्लेन मिलेगा, और साथ ही साथ हमारी और सीरीज है एमएस और 2019 करंट अफेयर्स, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल चल रहा है, मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो संडे को आती है, ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, और हमें फॉलो कर सकते हैं आप खबरी पे भी जीके अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स के नाम पे, जहां पर आपको पॉडकास्ट मिलेंगे जीके के, न्यूज के और इसी तरह की वीडियोस के भी पॉडकास्ट वहां पे आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।